हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो विन आईएएस सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड चैनल है और ये एक संस्था है जो पूरी तरह से सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी व्यापम की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं और परिस्थितियों को देखते हुए अधिकांश सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट और इवन सभी लोगों ने व्यापम के उन परीक्षाओं के फॉर्म भरे हैं, उनमें इंटरेस्टेड हैं कि उन परीक्षाओं को भी दिया जाए और किसी भी तरह से कोई भी नियुक्ति ले ली जाए, क्योंकि बहुत समय से कोई भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना था कि सर कुछ इस तरह की कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए जिससे कि हमें व्यापम के एग्ज़ाम में भी हेल्प मिले, और उनके इसी आग्रह को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्यों ना एक ऐसी श्रृंखला लेकर के आया जाए जिसमें जो नए सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं पटवारी में, खास तौर पे जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने वाली है, जैसे कि प्रबंधन, अंग्रेजी, इनके जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनको सॉल्व करवाया जाए और सॉल्व करते समय उससे संबंधित जो कंसेप्ट्स हैं, अवधारणाएँ हैं, उनको भी डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि समय अभी जो है सीमित है। तो यह एक अच्छा तरीका हो सकता है कि कम समय में हम लोग इन सभी अवधारणाओं को प्रश्न के रूप में समझ सकें। तो इसी श्रृंखला में हाँ आज का जो सेशन है वो रखा गया है, और आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप टू सब ग्रुप फोर 2020, जो कि 2021 में हुआ था ये पेपर, उसके जनरल मैनेजमेंट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। इनमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट पर आधारित वो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। आप एक जब इन सही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ये पाएंगे कि प्रबंधन के जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी अलग अलग ब्रांचेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो या फिर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या फिर वो ऑपरेशन मैनेजमेंट हो, उन सभी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न सॉल्व करते वक्त उससे संबंधित जो कंसेप्ट्स हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन इन तीन प्रकार के प्रतिभागियों का उपयोग करता है? कौन से तीन प्रकार के प्रतिभागी? निर्णय लेने वाला यानी कि डिसीजन मेकर, कर्मचारी और प्रतिक्रियादाता रिस्पोंडेंट, यानी जो जो प्रोडक्ट होगा या जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस पर जो रिस्पोंड करने वाले लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, साबुन बना रही है, तो वो उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उसका फ्रेग्रेंस क्या होगा, ये डिसीजन मेकर्स डिसाइड करेंगे उस कंपनी के। एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उस पर, लेकिन जो बायर्स हैं वो रिस्पोंड करते हैं कि उनको वो कैसा लगा। तो इन तीनों को जो शामिल करे या एक ग्रुप होगा जो बताएगा कि किस तरह का ये प्रोडक्ट है, इन तीनों को शामिल करने किस टेक्निक में शामिल किया जाता है, यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया टाइम सीरीज एनालिसिस, या इसको हिंदी में कहते हैं काल श्रेणी विश्लेषण। देखिए, टाइम सीरीज एनालिसिस जो है ये फोरकास्टिंग या पूर्वानुमान की एक विधि है, एक मेथड है। इसके अंतर्गत समय के साथ किसी घटना में या किसी भी कार्य में क्या परिवर्तन आता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए, हम लोग सिंपली बात करें, कोई कंपनी है वो अपना सेल्स देखना चाहती है, अगर वो देखना चाहती है कि 10 साल के टाइम में कैसे उसके सेल्स में वह चेंजेस आए हैं, तो ये किसमें क्या करेंगे, वो टाइम सीरीज का एनालिसिस करेंगे। अगर हम लोगों को टेम्परेचर देखना है तो भी हम लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन में 10 साल 15 साल में किसी भी जगह का या पूरी पृथ्वी के टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एनालिसिस किया जाता है। तो काल श्रेणी विश्लेषण या टाइम सीरीज एनालिसिस फोरकास्टिंग की एक मेथड है और इस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, यानी सांख्यिकी का पार्ट है। और ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर चार इसके घटक हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? लॉन्ग टर्म जब एनालिसिस की जाती है, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखे जाते हैं, जब दीर्घकालिक जो चेंजेस होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है दीर्घकालिक प्रवृत्तियाँ, या उनको अंग्रेजी में कहा जाता है सेक्युलर ट्रेंड्स, सेक्युलर ट्रेंड्स, या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग दीर्घकालिक प्रवृत्तियां। एक होता है साइक्लिक या साइक्लिकल भी बोलते हैं, चक्रीय जिसको कहा जाता है साइक्लिकल ट्रेंड्स,
या इसको हम लोग साइक्लिकल चेंजेस भी कह सकते हैं। जैसे किसी बिजनेस में कभी बूम होता है, कभी रिसेशन आता है, कभी डिप्रेशन आता है, तो ये बिजनेस साइकिल भी कहलाता है, साइक्लिकल जो ट्रेंड होता है। इसी टाइम सीरीज एनालिसिस का एक घटक है रैंडम ट्रेंड। जैसे ये फिक्स नहीं है, जैसे कोई तूफान आ गया या भूकंप हो गया कहीं किसी जगह पे, तो देखा जाता है कि सारी चीज़ें जो हैं एकदम से बदल जाएंगी, वो टाइम का वेट नहीं करती, अचानक से उनमें परिवर्तन आता है, तो इसको कहा जाता है रैंडम ट्रेंड। और एक इसी का घटक है सीजनल ट्रेंड, या जिसको हम लोग कहते हैं मौसमी परिवर्तन। जैसे ठंड के दिनों में वूलेंस की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मी के दिनों में आप देखेंगे तो जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, छाछ दही, इनका डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन ठंडी के दिनों में इनकी डिमांड कंपेरेटिवली या तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, टाइम सीरीज एनालिसिस फोरकास्टिंग मेथड है और इसके चार घटक होते हैं, या चार ही यूं कह सकते हैं, चार प्रकार के ट्रेंड होते हैं। इनमें कहीं भी देखिए डिसीजन मेकर स्टाफ को शामिल करने की बात नहीं होती, सिर्फ चेंजेस को स्टडी किया जाता है। सेकेंड है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड जो है ये बेसिकली मेथड है ग्रुप ओपिनियन को फॉर्म करने की, सामूहिक मत हासिल करना है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं उनको किसी भी एक निर्णय पर लेकर के आना है। इसके अंतर्गत एक सूत्रधार को निर्धारित किया जाता है, फैसिलिटेटर होता है, और जो एक्सपर्ट समूह होता है या जो लोग होते हैं ना जो उससे संबंधित हैं, उस पर्टिकुलर घटना से या उस निर्णय को लेने वाले, उसमें डिसीजन मेकर भी हो सकते हैं, स्टाफ के लोग भी हो सकते हैं, और प्रतिक्रियादाते या जितने भी लोग हैं जो उस किसी घटना से संबंधित हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग साबुन की बिक्री ही ले लेते हैं, साबुन बनाने वाली कंपनी, तो साबुन बनाने वाली कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो डिसीजन लेते हैं वो स्टाफ और एक पर्टिकुलर जो एक्सपर्ट्स हैं साबुन के, हो सकता है वो पब्लिक में से ही लिए जाएं ना, उनको बिठाया जाता है और उनको क्वेश्चनियर दिए जाते हैं, प्रश्न दिए जाते हैं, और सामान्यतः 2 से 3 राउंड में ये क्वेश्चनियर दिए जाते हैं, जब तक कि वो सभी मिलकर के एक ओपिनियन पे नहीं आ जाते हैं, उन सभी का ओपिनियन एक नहीं हो जाता। तो ये डेल्फी विधि जो होती है एक तरह से निर्णय लेने में भी सहायता करती है। तो इसको क्या हम कह सकते हैं कि यही इस प्रश्न का उत्तर है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स, निर्णय लेने वाले भी शामिल हैं, स्टाफ भी हैं और प्रतिक्रियादाता भी हैं। सेल्स फोर्स कंपोजिट जो दिया गया है इसको भी समझ लें आप। सेल्स फोर्स कंपोजिट का मतलब होता है एक सेल्स का पूर्वानुमान लगाना। सेल्स का पूर्वानुमान लगाने के लिए ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, अर्थात इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कंट्री हेड ने अब के नीचे पूरे देश में 10 रीजनल हेड्स हैं सेलिंग के, किसी भी कंपनी के, मान लीजिए ये कार मेकिंग कंपनी है, उसके नीचे प्रत्येक एरिया में 5 सेल्स मैनेजर्स हैं, इनके नीचे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो सेल्स फोर्स कंपोजिट जो तरीका है या अप्रोच है, इसके अंतर्गत सबसे निचली पायदान पे जो वर्क फोर्स काम कर रही होती है उसका भी ओपिनियन लिया जाता है, उसका ओपिनियन लिया जाता है कि वो एक निर्धारित समय में कितने कार या कितने सेलिंग वो कर पाएंगे, फिर वो अपने से ऊपर वालों को बताते हैं, वो अपने से ऊपर वालों को, और फिर लास्ट में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, चाहे वो कंट्री हेड हो या रीजनल हेड, उसको ये अनुमान लगाने में सहायता मिलती है कि किस प्रकार से हम टोटल टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ओपिनियन लिया जाता है सेल्स का पूर्वानुमान करने के लिए। कार्यकारी एग्जीक्यूटिव का ओपिनियन, इसमें केवल और केवल एग्जीक्यूटिव का ओपिनियन की बात कही गई है, जो कि इस प्रश्न से में कहीं भी तालमेल नहीं बैठता है। तो इस प्रश्न में का जो सही उत्तर है वो है डेल्फी मेथड। आपको ये भी पूछा जा सकता है काल श्रेणी विश्लेषण से क्या करते हैं, सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड जो है किस तरह की अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है या टॉप डाउन अप्रोच है, तो ये बॉटम अप अप्रोच है। तो इन चारों ऑप्शंस का भी जो विश्लेषण है थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कर्मचारी अभिप्रेरण के लिए कंसर्न निम्न लिखित प्रबंधन उपागम में से किससे सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? एम्प्लॉई मोटिवेशन से कौन सा सबसे अधिक क्लोज है? इसको अगर सरल शब्दों में देखें तो जो ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं, पहला है नौकरशाही। ध्यान रखिए, नौकरशाही जो है बेसिकली ये जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरो से मिलके से डिराइव किया गया है, और ब्यूरो के दो मतलब होते हैं, एक होता है डेस्क यानी कि मेज, और दूसरा होता है पोस्ट यानी कि पद, या किसी बड़े संगठन या सरकार की एक संरचना को संदर्भित करता है जिसमें बहुत सारे पद क्रिएट किए जाते हैं, पद बनाए जाते हैं, और वो पद जो होते हैं वो कार्य करते हैं। यहाँ पे कहीं भी मोटिवेशन जैसी कोई बात नहीं होती है। ब्यूरोक्रेसी का जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर या यूं कहें विशेषता है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और विनिमय, कानून, इनका पालन बहुत कड़ाई से किया जाता है, और यही इसीलिए इसमें को में रेड टैपिज्म का जो दोष है वो पाया जाता है, लाल फीताशाही, लेट लतीफ़ी जिसको बोला जाता है, वो किसका करेक्टरिस्टिक्स है या किसका फीचर है या किसकी विशेषता है? नौकरशाही की। वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रबंधन का वह स्वरूप है जिसमें कार्य को करने के लिए मानक तय कर दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं, और मानक अनुसार ही कार्य करने पर एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड मिलता है, और अगर मानक अनुसार कार्य नहीं किया गया, परफॉर्म नहीं किया गया, तो पनिशमेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा माना जाता है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक बात ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है फ्रेडरिक विल्सन टेलर को, F.W. टेलर ही इसके कहलाते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि पहली बार इन्होंने व्यवस्थित तरीके से स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे कंपनीज में, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, जिससे कि आउटपुट बढ़ गया। संगठनात्मक व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यह मैनेजमेंट की वह ब्रांच है जो यह स्टडी करती है कि कर्मचारियों के व्यवहार से किस प्रकार से प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है, किस प्रकार से उस पर प्रभाव डालते हैं कर्मचारियों का व्यवहार, और यदि उन्हें मोटिवेट किया जाए काम करने के लिए तो वे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं ना। इसी से रिलेटेड एक स्टडी की गई थी जो बहुत ही पॉपुलर है, हाथोन स्टडी, इसके ये भी पूछा जा सकता है, हाथोन स्टडी या हाथोन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, एल्टन मायो के नेतृत्व में, किसके? एल्टन मायो के, ध्यान रखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण स्टडी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, और यहीं से ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का जन्म होता है, मानववादी उपागम। इस ऑर्गेनाइजेशन में मानव महत्वपूर्ण होता है, उसकी फीलिंग्स महत्वपूर्ण होती हैं। फिर है प्रणालियां या सिस्टम्स, यह जो अप्रोच है मैनेजमेंट का, यह कहता है कि सिस्टम्स जो होता है, एक बड़ा सिस्टम जो होता है छोटे छोटे सब सिस्टम्स का इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है, यानी एक बड़ी प्रणाली के अंतर्गत छोटे छोटे जो उप प्रणालियाँ होती हैं वो जुड़ी होती हैं, और मेनली इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, इनपुट देन प्रोसेस और देन आउटपुट। इनपुट में रॉ मटेरियल, प्रोसेस यहाँ किया जाएगा, यहाँ एम्प्लॉयज होंगे जो प्रोसेस करते हैं, सिस्टम होगा, और यहाँ आउटपुट में फिनिश्ड गुड्स प्राप्त होंगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, और इसके बीच में एनवायरनमेंट होता है जिसमें यह सब कुछ किया जाता है। यहाँ आपके कंज्यूमर्स भी हैं, एनवायरनमेंट में कौन कौन होगा? उपभोग करने वाले लोग, गवर्नमेंट, सप्लायर्स जो सप्लाई करते हैं। तो ये कहा गया कि अगर इनपुट प्रॉपर नहीं काम करेगा तो आउटपुट प्रॉपर होगा ही नहीं, यानी कि पूरे सिस्टम को ठीक ढंग से काम करने के लिए जो सब सिस्टम्स हैं उन्हें ढंग से काम करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, यह सिस्टम अप्रोच जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच है सब सिस्टम्स का,
और यह फोकस करता है इंटीग्रेटेड अप्रोच पे कि पूरे सिस्टम्स को ठीक ढंग से काम करना चाहिए। तो इन सभी इन चारों से भी अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। सेंट्रलाइजेशन का क्या तात्पर्य है? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है किसी एक ही जगह या एक ही पद में या एक ही व्यक्ति में शक्ति का निहित होना। जैसे कि जब राजा हुआ करते थे या मोनार्की जो होती थी, है ना, जिसमें कि राजा के अंदर सारे तरह के, चाहे वो जुडिशियल पावर हो, प्रशासनिक पावर हो, कानून बनाने का पावर हो, ये सभी के सभी राजा में निहित होते थे। तो कहना चाहिए कि उस टाइम पे मध्यकाल में या प्राचीन काल में राजा जो होता था वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होता था हर तरह के शक्ति का। लेकिन अभी विकेंद्रीकरण का ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। तो इसका अर्थ पूछा गया है संगठन में शक्ति का विकास और रखरखाव नहीं, ये केंद्रीकरण एक ही बिंदु पर स्थिर होना है। तो अगर हम लोग देखें कहाँ भौगोलिक प्रसार नहीं, इसका भौगोलिक से कोई लेना देना नहीं है। निर्णय लेने की प्रक्रिया तो है लेकिन जब ये एक ही जगह बिंदु पे या एक ही व्यक्ति में समाहित हो, तो वह डिग्री जिस पर संगठन में किसी एकल बिंदु पर निर्णय लेना केंद्रित हो, बिल्कुल सही आंसर है, या एक ही व्यक्ति या एक ही पद में निर्णय लेने की क्षमता दी गई हो, तो केंद्रीकरण का तात्पर्य हो जाएगा वह बिंदु या वह एकल पॉइंट जहाँ पे निर्णय लेना संभव होता है, जो सभी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे कुछ अलग करने के रूप में सर्वश्रेष्ठ वर्णित किया गया है और इसे असतत या पूरक परिवर्तन के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए परिवर्तनशीलता जो होता है वो चेंज को बताता है, किस तरह से चेंज हो रहा है, परिवर्तन क्या हो रहा है, ये अलग नहीं होता हो सकता। नवोन्मेष, इनोवेशन, इनोवेशन को डिफाइन किया जाता है कोई भी क्रिएटिविटी, किसी भी कार्य करने का एक नया तरीका, नई सोच, जिससे कि मानव जाति या समाज की भलाई हो, उसके लिए वो लाभकारी हो। देखिए रचनात्मकता और नवोन्मेष दोनों में एक डिफरेंस होता है। कोई भी चीज़ नई है तो रचनात्मक हो सकती है, कहला सकती है कि न्यू आइडिया है, लेकिन अगर वो फ्रूटफुल है तो वो इनोवेटिव है। तो और पूरक परिवर्तन कॉम्प्लीमेंट्री चेंजेस लेकर के आता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। एंटरप्राइज का मतलब होता कोई भी उद्योग या धंधा, एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यम वृत्ति किसी की वह गुण या उसका वह विशेषता जिसके द्वारा वह खुद का रोजगार स्टार्ट करता है, कोई नया उद्यम लगाता है या शुरू करता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं, फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता को एक सफल प्रबंधक द्वारा सर्वाधिक धारण करने की संभावना है। अगर सरल शब्दों में हम ये कहें कि किसी भी सफल प्रबंधक के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बोलता है कि ये गुण होना चाहिए, या किसी भी सफल प्रबंधक के बारे में सही जानकारी देता है। ये गूगल ट्रांसलेटर है इसलिए थोड़ा सा जो इसका जो शब्दावलियाँ वो कठिन है, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अ बिलीफ हेल्ड बाय अ सक्सेसफुल मैनेजर। अच्छा पारस्परिक कौशल होना आवश्यक नहीं है, क्या ये सही है? नहीं, ध्यान रखिएगा नहीं लिखा गया है। आवश्यक इंटरपर्सनल स्किल होना जरूरी होता है मैनेजर्स के लिए, और इसमें लिखा नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तकनीकी कौशल आवश्यक है लेकिन सफलता के लिए अकेले अपर्याप्त है। तकनीकी कौशल, देखिए तकनीकी कौशल का तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं है कि हमें मशीन के बारे में जानकारी है या हमें कंप्यूटर चलाना आता है। यहाँ तकनीकी कौशल का तात्पर्य ये है मैनेजमेंट में कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसकी टेक्निक के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं। जैसे अगर आप बैंकिंग या फाइनेंस में काम कर रहे हैं तो जैसे प्रोजेक्ट अप्रेजल की जो टेक्निक्स हैं वो आपको आती हैं या नहीं है। अगर मान लीजिए आप बैंक में हैं तो लोन सैंक्शन करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, प्रोजेक्ट एनालिसिस जो होती है, उसमें आप एक्सपर्ट हैं या नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको आता है, तो यू हैव साउंड टेक्निकल नॉलेज, तो आपके अंदर एक अच्छा तकनीकी ज्ञान है। तो ध्यान रखिएगा जब हम विषय के बारे में बोलते हैं तकनीकी कौशल, तो विषय से संबंधित जानकारी होती है, तकनीकी जानकारी होती है, मशीन से संबंधित नहीं। फिर कहा जाए लेकिन सफलता के लिए अकेले अपर्याप्त है, बिल्कुल सही है, ये होना तो जरूरी है लेकिन सफलता इसी से मिल जाएगी
ये जरूरी नहीं है, यानी ये केवल अकेले सफिशियंट नहीं है, यानी अपर्याप्त है, यानी केवल टेक्निकल नॉलेज होने से कोई सफल मैनेजर नहीं बन सकता, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल भी होना चाहिए। तकनीकी ज्ञान वह सब है जो सफलता के लिए आवश्यक है, नहीं। प्रभावकारिता मानव व्यवहार से प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल होती है, प्रभावित होती है, स्टेटमेंट दिया है नहीं, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहता है कि किसी भी व्यक्ति की या कर्मचारी की इफेक्टिवनेस जो है वो उसके व्यवहार से प्रभावित होगी होगी। जैसे एक व्यक्ति जो है बहुत कूल एंड काम है, वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत सही ढंग से करेगा, लेकिन एक व्यक्ति बहुत ही अग्रेसिव है, सोचता नहीं है, किसी चीज़ को ठीक से एनालाइज नहीं करता है, उसके द्वारा लिए गए निर्णय जो होंगे वो सही जरूरी नहीं कि हों, वो जल्दीबाजी में डिसीजन लेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यही स्टेटमेंट, यही मान्यता जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सफल टीमें अपने खालिस्तान को विशिष्ट मापनीय और यथार्थवादी प्रदर्शन लक्ष्यों में परिवर्तित करती हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान देंगे ऑप्शन देखें, सामान्य उद्देश्यों को, तो यहाँ क्या जाएगा, सामान्य उद्देश्यों को, या अपने गोल्स को, जनरल जो गोल्स या पर्पजेज होते हैं उनको वो स्पेसिफिक, विशिष्ट और मेजरेबल एंड रियलिस्टिक परफॉर्मेंस गोल्स के रूप में निर्धारित करती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम एक कार मेकिंग कंपनी है, उसने कहा हम 500 कार सेल करेंगे एक साल में, तो ये उसने डिफाइन कर दिया स्पेसिफिक, इसको मेजर किया जा सकता है। अगर मान लो उसकी टीम ने 300 सेल किए कार, तो 200 से शॉर्ट हो गए, इसको हम माप सकते हैं। रियलिस्टिक है, बिल्कुल रियलिस्टिक है। कौशल, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौशल का प्रयोग किया जाता है ना, मानदंड कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं कि कैसे गोल्स को अचीव किया जाए, उन मानदंडों को मानते हुए ही उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। भूमिकाएं, विभिन्न प्रकार के रोल्स डिफाइन किए जाते हैं उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, तो इसका सही आंसर है सामान्य उद्देश्यों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये एक केस स्टडी कह सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा केस है। आशीष XYZ कंपनी में काम कर रहा है, वह स्वयं को अपराधों, कंपनी की छटनी और अन्य प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित रखने की इच्छा रखता है। हम कह सकते हैं कि वह खालिस्तान आवश्यकता को पूरा करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सुरक्षित रखने की बात किया गया और आवश्यकताओं से संबंधित एक सिद्धांत है, मास्लो, अब्राहम मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकता का पदसोपान सिद्धांत। अब्राहम मास्लो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये एक मॉडल दिया था मोटिवेशन का। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो नीड होती है वही उसे मोटिवेट करती है। देखिए मोटिवेशन अगर सिंपल शब्दों में कहें तो मोटिवेशन किसी चीज़ की कमी है जो आपको उद्देश्यों की तरफ ड्राइव करती है, धकेलती है पूरा करने के लिए। अगर कमी नहीं होगी तो आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो होती हैं वो होती हैं फिजिकल नीड्स या भौतिक आवश्यकताएँ, जैसे कि सोना, खाना पीना, वस्त्र इत्यादि। फिर इन्होंने कहा जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति अगले स्टेप पे जाता है, यानी उसे फिर सेफ्टी नीड्स की जरूरत पड़ती है, उसे सुरक्षा चाहिए होती है, है ना, हद शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ नौकरी की सुरक्षा, किसी तरह की कोई दुर्घटना उसके साथ ना हो जाए। फिर उन्होंने कहा जब सुरक्षा की नीड पूरी हो जाती है तो वो सामाजिक आवश्यकताएं उसकी होती हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस, वो चाहता है कि समाज जो है उसको स्वीकार करे, उसके भी मित्र हों, तो इसको कहा गया लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। और इसके बाद अगर ये पूरी हो गई तो वो एस्टीम चाहता है, सम्मान चाहता है, रिकग्निशन चाहता है, उपलब्धियां चाहता है जीवन में। और जब उपलब्धियां मिल जाएं उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्मबोध, आत्मबोध इसको कहा जाता है, इस आवश्यकता को वो पूरा करता है। तो यहाँ देखेंगे तो सुरक्षा की बात है तो इस सेकंड लेवल पे ये फॉल करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा,
सम्मान नहीं, सामाजिक आवश्यकता नहीं, आत्मबोध नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाम मात्र निर्णय लेने को कभी कभी संदर्भित के रूप में किया जाता है। इसका सिंपल सा आंसर है हैबिचुअल डिसीजन। जो निर्णय केवल नाम मात्र के होते हैं उन्हें हम हैबिचुअल डिसीजंस कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे उल्लिखित विकल्पों में से कौन सा विक्रय संवर्धन या सेल्स प्रमोशन में शामिल नहीं है। ध्यान रखिए नहीं है। विज्ञापन, जी हाँ, विज्ञापन से सेल्स बढ़ता है, प्रमोशन होता है सेल्स का। व्यक्तिगत विक्रय पर्सनल सेलिंग से भी होता है। मूल्य निर्धारण, देखिए मूल्य निर्धारण जो होता है सेलिंग से पहले होता है। कंपनी जो कॉस्ट इनकर करती है उस पर एक प्रॉफिट ऐड करके वो मूल्य निर्धारित करती है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। प्रचार यानी पब्लिसिटी से भी सेल्स में वृद्धि होती है या संवर्धन होता है। विज्ञापन और प्रचार में एक डिफरेंस होता है, इसको समझ लीजिए। पब्लिसिटी जो होती है ये अनपेड होती है, इसका पैसा नहीं लगता है ना। जैसे वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, एक व्यक्ति ने खरीदा सामान, उसको अच्छा लगा, दूसरे को बताएगा। जबकि विज्ञापन जो होता है ये क्या होता है, ये पेड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से प्रयास करनी है तो लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, यानी कि वह क्षमता जो लोगों को खुद से मोटिवेट करे, सेल्फ मोटिवेट करे। क्या अभिप्रेरण? नहीं, सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा अभिप्रेरण से। निरीक्षण, सुपरविजन का मतलब होता है किसी के कार्य की जांच करना कि उसने कार्य ठीक से किया या नहीं किया। नियंत्रण, सुपरविजन करके उसके ऊपर नियंत्रण रखना कि वो कुछ ऐसा ना करे जो कि कंपनी के नियमों के उल्लंघन करता हो। नेतृत्व, लीडरशिप, इसका सही आंसर होगा लीडरशिप। क्योंकि लीडर्स जो होते हैं वो लोगों को प्रभावित करते हैं कि वो खुद से प्रेरित होकर के अब उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़े, तो इसका सही आंसर है लीडरशिप। 11वां, किसी संगठन में लोगों, श्रमिकों का प्रबंधन किस विभाग द्वारा किया जाना चाहिए या किस विभाग द्वारा किया जाता है। देखिए लेखांकन के अंतर्गत जो पैसा का लेन देन होता है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, उसको लिखा जाता है, उसका विवरण रखा जाता है ना। इसमें पैसे के लेन देन से संबंधित है, ये पैसे के लेन देन का विवरण रखा जाता है रिकॉर्ड के रूप में। मानव संसाधन जो होता है वो लोगों के रिक्रूटमेंट, उनको ट्रेनिंग, उससे संबंधित कार्य देखता है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। सूचना प्रणाली में सूचनाएं रखी जाती हैं और प्रशासन जो होता है वो इन सभी के ऊपर ध्यान देता है, उन प्रशासन के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजनाएं बहुत अन्योन आश्रित यानी कि इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है, और इनके लिए संपूर्ण संगठन के संसाधनों और क्षमताओं को और इसके बाहरी वातावरण को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कार्यनीतिक योजनाएं, पहला ऑप्शन स्ट्रेटेजिक प्लान्स। स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो होते हैं इसका तात्पर्य ये होता है कि अपने विजन को डिफाइन करना। इसके जनरली 5 चरण माने जाते हैं, अपना विजन बनाना, दृष्टिकोण निर्धारित करना, प्रायोरिटी को सेट करना, आप कहाँ हैं, अपना आप कहाँ हैं इसका मूल्यांकन करना, अपनी स्थिति का मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, और तीसरा अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज और गोल्स को निर्धारित करना, को डिसाइड करना, फिर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना और देन इवेल्युएशन करना, इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स यानी जो परिणाम प्राप्त हों उनका मूल्यांकन करना। तो शुरुआत इसके विजन से होती है, दृष्टिकोण से होती है, लेकिन जो स्ट्रेटजिक प्लान्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं परिणाम के मूल्यांकन से। बाकी बजटीय योजनाएं बजट से संबंधित होती हैं, है ना, पैसे के एलोकेशन और उसके खर्चे से। ऑपरेशंस प्लान्स जो होते हैं वो ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, कार्य जब जो किया जाने वाला है उससे। और सामरिक योजनाएं जो होती हैं वो तात्कालिक जो गोल्स होते हैं उनके संबंधित होती हैं।